वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं फिर से ये टू कलर का नेटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के हाल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, ये काफ़ी थिक बनता है और बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इस डिज़ाइन को आप जो आपने फंदे डालने हैं वो 4 के मल्टीपल में डालने हैं। एक एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डालना है दोनों तरफ रखने के लिए, यानी कि 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होने चाहिए। बॉर्डर बुन लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा सीधी सिलाइयाँ नीचे फंदे जो मैंने जो आपको बताए थे सिखाए थे मैंने पीछे अपने वीडियो में, तो वो वाले फंदे डाल के मैंने ये 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी डाल के फिर इस डिज़ाइन को डाला है। आप बॉर्डर बुन लीजिए, उसके बाद फिर इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। तो फंदे जो है आपने 4 के मल्टीपल में डालने हैं। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के आर प्रोजेक्ट पर भी डाल सकते हो, और अगर आप फ्रॉक बनाना चाहते हो लड़कियों के लिए तो आप फ्रॉक पर भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। तो हमने जो इसका धागा कलर चेंज करना है वो रॉन्ग साइड से ही चेंज करना है बॉर्डर बुनने के बाद। ये मैंने नोट लगा रखी है। और अब हमने उल्टी तरफ से हमने धागा जोड़ना है, और जो भी दूसरा कलर लगाना है तो उल्टी तरफ से ही लगाना है। उसके बाद सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देने हैं। मैंने थोड़े कम फंदे लिए हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा नहीं बनेगा। सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। जब भी हम धागा लगाते हैं तो ये जो हमारा धागा होता है इससे हम ऐसे साथ में ले लेते हैं, बैक साइड में लटकते नहीं हैं धागे। सारे फंदे उल्टे सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद इसकी ये डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। राइट साइड से भी हमने सारे फंदे, पहला फंदा हमने सीधा ही रखना है और बाकी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन के सेकंड सिलाई कंप्लीट करनी है। ये किनारे का फंदा हमने सीधा ही बुनना है। थर्ड रो पे आ गए हैं। थर्ड रो पे क्या करना है, हमने थोड़ा सा यहाँ से लूज हो गया, इसको थोड़ा खींच के टाइट कर लेते हैं। और ये जो हमारा धागा है प्राइमरी कलर, इसको हमने साथ में ही लेना है। अब हमने पहला फंदा ऐसे उतार लेना है और उसके बाद हमने बाकी के फंदे रॉन्ग साइड से सीधे ही बुन देने हैं। लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमारी ये रॉन्ग साइड है, उस तरफ से हमें सीधा ही रखना है, इसलिए इस तरफ से हम उल्टा ही बुनेंगे इस फंदे को। अब देखिए, ये हमारी 2 रो हो गई हैं, उल्टी उल्टी बुनी है हमने। ये हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है, धागा रेड कलर ही हमने लगाना है और सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। लास्ट का फंदा राइट साइड से सीधा ही बुनना है। ये देखिए, ये हमारी 3 हमारी ये इस तरीके से ये रो आनी चाहिए। अब हमने प्राइमरी कलर से बुनना है, येलो कलर से बुनूंगी मैं। आप सारे फंदे इस वाले धागे को हम ऐसे ही ऊपर को ले लेंगे साथ में ही। अब हम सारे फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे उल्टे बुन देंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है ये, बिगनर्स भी आराम से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपने।
पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है सीधा, दूसरा फंदा हमने बुन लेना है। अब क्या करना है, आगे हमारे ये जो दो फंदे हैं इनके बीच से हमने ऐसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आके बीचों बीच हमने नीडल ऐसे डाल के ऐसे एक फंदा बनाना है, ऐसे थोड़ा सा ना इसे लूज़ रखना है ना टाइट करना है। और अगले दो फंदे अब हमने सीधे बुन देने हैं। अब हमने इसी में से फिर से एक फंदा ऐसे नीडल डाल के और निकालना है, ऐसे आगे के दो फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे नीडल डाल के ऐसे एक फंदा निकालना है, आगे के दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं। दो फंदे बुनने के बाद जहाँ से पहले फंदा निकाला है वहीं पे हमने नीडल डाल के एक फंदा और निकालना है ऐसे। अब हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं, अब फिर से यहाँ इसकी सीध से निकालना है, दो फंदों के बीच में से एक फंदा ऐसे, और दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर से इसी उसमें जाके ऐसे एक फंदा और निकालना है। अब हमने ये दो फंदे सीधे बुनने हैं। अब देखिए उल्टी सिलाई में क्या करना है, इस वाले धागे को हम ऐसे साथ में ले लेंगे लेकिन येलो कलर से ही बुनेंगे। जो हमने उस तरफ से लूप निकाले हैं उन्हें हमने स्लिप करना है, बाकी फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। जैसे मैंने ये उस तरफ से सीधे बुने हैं येलो कलर से, ये हमने इस तरफ से उल्टे बुनने हैं, और ये हमारे जो हमने लूप निकाला है ये इसे हमने ऐसे स्लिप करना है। जो बुने हुए फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बुनना है, और ये जो हमने निकाला था लूप इसे हमने ऐसे स्लिप करना है। आगे के दो फंदे उल्टे, लूप वाला फंदा ऐसे उतारना है, दो फंदे उल्टे, इस वाले फंदे को भी ये देखिए इस तरफ से इसे भी हमने उतार लेना है। आगे के दो फंदे उल्टे, इसे स्लिप करेंगे, आगे के दो फंदे उल्टे इसे उतार लेंगे, आगे के दो फंदे उल्टे। एट रो में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अभी हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप किया है, अब हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के बुनना है, ऐसे दोनों को एक साथ उठाना है, ऐसे बुन लिया। आगे के दो फंदे सीधे, इस वाले फंदे को हमने ऐसे निडल पे लेना है पलट के, फिर इस निडल पे लेना है और पीछे वाले फंदे के साथ मिला के सीधा बुन देना है। ये देखिए ये डिज़ाइन बनेगा हमारा, इस वाले फंदे को ये वाला और ये दोनों फंदों को हमने ऐसे सीधा बुनना है। आगे का फंदा भी सीधा बुनेंगे, उससे आगे का फंदा भी सीधा बुनेंगे। इस वाले फंदे को ऐसे निडल पे लेना है ऐसे, फिर हमने पीछे वाले फंदे के साथ मिला के सीधा बुन देना है। तो ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनेगा। अब इस वाले फंदे को ऐसे इस वाले फंदे को ऐसे पलट के लेंगे, इस वाले निडल पे लेंगे अब ऐसे, और इस वाले फंदे के साथ मिला के ये देखिए लास्ट का फंदा सीधा। अब देखिए अब हमने जो हमारा दूसरा रंग है अब इससे बुनना है हमने सारे फंदे। अब हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं, यहाँ से मैंने डिज़ाइन शुरू किया था वैसे ही आपने फिर से रिपीट करना है इसे। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था रॉन्ग साइड से रेड कलर लगाकर डिज़ाइन डालना, उसके बाद का मैंने आपको बता ही दिया है। बस इतना सा ये डिज़ाइन है और बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है ये, आप अपने बच्चों के स्वेटर पे डालिए। ये देखिए इसके बाद इसी कलर से रेड कलर से हमने उल्टी सिलाई डालनी है, और आपको पता ही है मैंने नीचे आपको बता ही दिया है। तो ये डिज़ाइन है ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन सुंदर लगा है, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और अगर आपको पसंद आते हैं ज़रा भी तो आप लाइक भी किया करें, और अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।